इस डिज़ाइन को बनाने के लिए गाइस हमने एक पेपर लिया है प्लेन, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 इंच है और बीच की जो ये आप मार्किंग देख रहे हैं ये 2.5 इंच के गैप में है, मतलब कि जो इसकी गैपिंग है वो 2.5 इंच की है। एक निशान इधर है और एक निशान इधर है। और इसके बाद हमने एक 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है सेम ट्राउज़र का और उस पर पेपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है। इसमें हम अपनी एक स्टेप बनाएंगे और उसको स्टेप को बनाने का तरीका आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी ये जो स्टेप वाली पट्टी है उसको लिया है, उसको ऐसे करके 1/4 इंच इधर से फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच इधर से फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे करके आपस में मिला देंगे दोनों को और फिर एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये स्टेप हमने बना ली है और इसी तरह की 2 स्टेप हम और बना लेंगे। अब इसके बाद हम अपना जो प्लेन वाला पेपर है उसको लेंगे और इस पर कुछ मार्किंग करेंगे। तो इसमें मार्किंग कुछ इस प्रकार से होगी गाइस, इसकी जो लंबाई है वो तो हमने अपने ट्राउज़र के मोरी के अकॉर्डिंग ली हुई, देखिए ऐसे डबल करके ऐसे। इसमें जो मार्किंग होगी वो कुछ ऐसे होगी, देखिए पहला निशान 4 इंच पर, दूसरा निशान वो भी 4 इंच पर, इसमें जितने भी निशान हम लगाएंगे वो सारे 4-4 इंच पर लगाएंगे, ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे पहला 2 इंच पर, फिर दूसरा 4 इंच पर। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिलाना है, तो इस वाले निशान से और ये जो कॉर्नर है इससे ऐसे करके पहला निशान ड्रॉ करेंगे। अब इस निशान से इस निशान तक ऐसे ड्रॉ करेंगे और आप अपने लिए इसे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी मार्किंग और करनी है, यहाँ पर भी आपने अब इसमें 2-2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है। ये 2 इंच पर पहला निशान हो गया, अब इसके बाद 4-4 इंच पर। अब इन निशानों को भी आपस में एक दूसरे से मिलाना है ऐसे। तो गाइस ये इस तरीके से मार्किंग हो गई। अब हमने जो अपनी स्टेप पट्टियाँ बनाई थी उनको इस पर लगाना शुरू करेंगे। पहली स्टेप पट्टी ले लेते हैं और उसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब इसके बाद यहीं से आपने इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब इसके बाद हमने एक और स्टेप पट्टी इसमें यूज़ करनी है, उसको हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे रखेंगे और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर जो ये पट्टियाँ अटैच की हैं, यहाँ पर तो हो गया पक्का फोल्ड और यहाँ पर रह गया कच्चा फोल्ड। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने अपना ट्राउज़र खोलना है, ट्राउज़र के ऊपर इस तरीके से इस पैटर्न को ऐसे सेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस पर एक कच्ची सिलाई लगानी होगी जिससे कि आपको वहाँ की तरफ दिखता रहे दूसरी तरफ कि यहाँ पर आपका निशान है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिलाई लग गई इसमें आपका निशान पक्का हो गया। ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर पैटर्न को फिट करके एक सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद में एक टॉप स्टिच यहाँ से लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर देंगे, ये जो पेपर है इसको हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।